अब वक्त है तरोताजा कर देने वाली कॉफी का। लेकिन ये कोई मामूली कॉफी नहीं है, ये देश की शान है, टिम हॉर्टन्स ग्राउंड कॉफी। और इसका आविष्कार किया था एक खालिस कनेडियन ने जो एक हॉकी प्लेयर थे। सन 1949 में टिम हॉर्टन को टोरंटो मेपल लीव्स के लिए साइन किया गया था, लेकिन टिम के लिए एक कॉफी शॉप खोलना हमेशा एक बड़ा सपना रहा। 1964 में उनका ये सपना साकार हुआ और आज 50 साल बाद कनाडा में हर 10 कॉफी में से 8 टिम हॉर्टन्स के बिकते हैं। और इस सब की शुरुआत हुई यहाँ एनकास्टर ओंटारियो के 8000 वर्ग मीटर में फैले इस कारखाने में। हर बोरी में 60 किलोग्राम कॉफी के ताजा हरे बीन्स भर के मध्य और दक्षिण अमेरिका से यहाँ लाए जाते हैं। उनके नमूने लेकर इस बात की पूरी जांच की जाती है कि वो सीनियर डायरेक्टर ऑफ कॉफी केविन वेस्ट के मापदंड पर खरे उतर सकें। हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारी कॉफी का स्तर लगातार बेहतरीन रहे। टिम हॉर्टन्स एक ऐसी कॉफी है जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। ओके का संकेत मिलने के बाद बीन्स को एक हॉपर पर ले जाया जाता है। बोरियां खोलकर बीन्स बाहर निकाले जाते हैं। ये हैं लुईजी। इनके पास कारखाने में रोज 1500 बोरी बीन्स आते हैं, इसके बावजूद ये थकते नहीं। हर रोज 8 कप कॉफी पीकर मैं चुस्त दुरुस्त रहता हूँ। लुईजी बीन्स को एक शेकर में पहुँचा देते हैं जहाँ उनसे कूड़ा करकट अलग कर दिया जाता है। हिलो हिलो, खूब हिलो। अब साफ सुथरे बीन्स को एक इंटरनल स्केल के जरिए 590 किलोग्राम के बैचेस में बांट दिया जाता है। फिर एक एयरवेटर बीन्स को इन पाइप्स के जरिए रोस्टर्स के एक सेट में पहुंचा देता है। टिम हॉर्टन्स हर एक घंटे में हजारों किलोग्राम बीन्स को भूनते हैं। भूनने से उनका फ्लेवर खिलता है। मैंने ठीक कहा ना लायल? वहाँ उन्हें अच्छा खासा तपाया जाता है। इस जगह हम कॉफी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वहाँ कॉफी को एक निश्चित तापमान तक पहुँचा दिया जाता है जहाँ उसके बीन्स चटक जाते हैं और इसी से उन्हें अपना बेहतरीन स्वाद मिलता है जिसकी चाहत आपको अपनी कॉफी में होती है। 12 मिनट बाद बीन्स पूरी तरह भुन जाते हैं। अब इन गर्मा गर्म बीन्स को पाइपों के जरिए एक बैट में पहुंचाकर तेज हवा छोड़कर ठंडा किया जाता है। ब्रूनो उनके सही तापमान का मुआयना करते हैं। लगता है काम हो गया। अब ये साफ सुथरे बीन्स एक डीस्टोनर की तरफ बढ़ते हैं। अब हल्की हवा छोड़कर बीन्स को वैक्यूम किया जाता है। भुनने की प्रक्रिया से कॉफी का वजन 15% कम हो जाता है, लेकिन उससे कॉफी बीन का आकार 60% बढ़ भी जाता है और वो बहुत ही हल्के होते हैं और उनके बेकार टुकड़े बिन में ही रह जाते हैं। बहुत खूब। इस पूरी टेस्टिंग के बाद बीन्स को थोड़ी देर के लिए इन टेम्परिंग बिन्स में रख दिया जाता है। बीन्स की टेम्परिंग से वो एक जैसे पिसते हैं। अगर उन्हें उसी वक्त पीस लिया जाए तो एक तरफ उनके मोटे मोटे टुकड़े बनेंगे और दूसरी ओर महीन पाउडर। घंटे भर बाद इन बीन्स को रोज की तरह पिसने के लिए रवाना किया जाता है। ये बड़े बड़े ग्राइंडर सिर्फ एक घंटे में 2300 किलोग्राम कॉफी पीस लेते हैं। क्या कोई बताएगा कि फिर उसकी खुशबू कैसी होती है? पीने के बाद इस कॉफी की खुशबू टिम की कॉफी के सबसे बड़े कप की तरह होती है। लाजवाब। वाह ब्रूनो, तुम कितने लकी हो। ग्राइंडर्स दो चरणों में काम करते हैं। पहले एक कोस रोलर बीन्स को टुकड़ों में तोड़ देता है, फिर वो टुकड़े एक फाइन रोलर से होकर गुजरते हैं जिन्हें मर्जी के मुताबिक बारीक पीस लिया जाता है। लेकिन कॉफी अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, अभी उसे गैस रहित करना बाकी है, यानी डीगैस्ड। एकदम ताज़ा पिसी हुई कॉफी में से CO2 निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। डीगैसिंग से कॉफी को थोड़ी देर खुला रखने से उसमें से थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। हालांकि इस काम में थोड़ा वक्त लगता है। और अब 13 घंटों बाद कॉफी टेस्ट करने के लिए तैयार है। तो अब थोड़ी कपिंग की जाए। तुम्हारा मतलब कॉफी से ही है ना? जी हाँ, मैं कपिंग नाम के एक परीक्षण की बात कर रहा हूँ जिसके दौरान कॉफी की क्वालिटी की जाँच की जाती है। केविन इसके बारे में बताएंगे। जब हम अरोमा और फ्लेवर्स की कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो अरोमा में है वनीला, कैरमल नटी, साथ में मिठास और खटास। मीठा कैनेडियन शहद। कपिंग परीक्षण दिन में कई बार दोहराया जाता है। ट्रू मास्टर्स हर साल लगभग कॉफी के 75,000 कप चखते हैं। ये कभी सोते भी हैं या नहीं? पता नहीं। खैर, अब ये कॉफी तैयार है और इसे पैकेजिंग के लिए भेजा जा रहा है। अब एक कॉफी कन्वेयर इस पिसी हुई कॉफी को मापकर क्लाउड नाम की एक मशीन में डालता है। क्लाउड यानी बादल।
लेकिन इसके नाम पर मत जाइए। ये क्लाउड एक मिनट में कॉफी के 1000 पैकेट पैक कर सकता है, यानी हर एक मिनट में 4000 कप कॉफी। पहले इसका बाहरी रैपर एक रोल से निकलता है जिसके पाउचेस बनाए जाते हैं, फिर वो पाउचेस एक कैरोसेल में दाखिल होते हैं और हर एक में 70 ग्राम पीसी हुई कॉफी भरी जाती है। हर पाउच एक केतली कॉफी के बराबर होता है। फिर पाउचेस पर तारीख और वक्त अंकित किए जाते हैं और फिर हर बॉक्स में 144 पाउचेस पैक कर दिए जाते हैं। टिम हॉर्टन्स के बॉक्सेस को पैलेट्स पर लादकर अब उन्हें पूरे नॉर्थ अमेरिका में रवाना कर दिया जाता है। हर बैच से 23,000 कप कॉफी बनाई जा सकती है। तो हो जाए एक कप कॉफी, लेकिन केविन अपनी ऑफिस में कॉफी किस तरह पीते हैं? मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ और दिन में 4-5 कप कॉफी तो हो ही जाती है। चाहे आप अपनी कॉफी दूध चीनी के साथ पिए या फिर ब्लैक, लेकिन टिम हॉर्टन्स कॉफी पीकर आपका दिल हमेशा खुश हो जाएगा। हर रोज दुनिया में कितने कप कॉफी की खपत होती है? दुनिया भर में लगभग 1.5 अरब कप्स।